कैबिनेट विस्तार 46 दिन के बाद ये विस्तार जो है वो पूरा हो चुका है। 21 नए मंत्रियों ने पदम गोपनीयता की शपथ ली। पहले सीएम नीतीश कुमार समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी और अब जेडीयू कोटे से 9, बीजेपी से 12 मंत्री जो हैं वो इसमें चयनित हुए हैं, बनाए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। और मिशन 40 के लिए जो 40 की 40 सीटें जीतने की बात एनडीए की तरफ से की जा रही है, ये माना जा रहा है कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी ये जो है पूरी की पूरी टीम मिलके नीतीश कैबिनेट की जो टीम बनी है उनके ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर नजर आती है। और ऐसे में जिन चेहरों की हम चर्चा कर रहे हैं उनमें बीजेपी की तरफ से कुल 6 ऐसे नाम हैं जो नई भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। पहली बार उन्हें मौका दिया जा रहा है और मौके के पीछे समीकरण भी हैं जिन्हें साधा भी जा रहा है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि इनके पास कौन से विभाग जा रहे हैं। जैसा राहुल कह रहे थे कि भाई इससे पहले चूंकि महागठबंधन की सरकार चल रही थी और उनमें कई ऐसे विभाग थे जो जेडीयू के पास नहीं थे और आरजेडी के पास वो विभाग थे, ऐसे में अब ये देखना होगा कि अब इन तमाम मंत्रियों के बीच कौन से विभाग जो है वो दिए जाते हैं। 46 दिन के बाद हालांकि ये विस्तार जो है ये देखने को मिला है जिसमें 21 मंत्री इस वक्त सामने हैं। बिल्कुल, तो 21 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और इस विस्तार के साथ साथ विस्तार देने की कोशिश लोकसभा चुनाव के लिए भी होगी क्योंकि धुआंधार प्रचार में ये चेहरे उतरेंगे और साथ ही ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि देखिए हमने जब मंत्रालय संभाला, विभाग हमने संभाला तो कैसे हमने काम भी किया, उस काम को भी लेकर के जाना है। और देखिए एक एक चेहरे लगातार हाईलाइट्स में हम आपको दिखा रहे हैं जिन चेहरों ने आज मंत्री के तौर पर शपथ लिया है। तो इससे पहले 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी और आज 21 नए मंत्रियों ने शपथ ली, यानी कि अब स्ट्रेंथ जो है नीतीश मंत्रिमंडल का वो 30 का हो जाता है। बिल्कुल, और 36 अधिकतम जो मंत्रियों के बनाने की जो सीमा है वो 36 है। अब ऐसे देखा जाए तो 30 मंत्री बन चुके हैं, 6 अभी भी मंत्रियों के पद रिक्त हैं, खाली हैं और कई ऐसे विभाग हैं जो कि नीतीश को बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कई विभागों का जिम्मा होता है। और अब इन 3 मंत्री जिन 30 मंत्रियों की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, इन 30 मंत्रियों के बीच कौन से विभाग चाहते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश तो ज़रूर की गई है, थोड़ा वक्त लिया गया और ये वक्त भी मुझे ऐसा लगता है जिसकी चर्चा बार बार हम कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से ज्यादा मंथन किया गया है क्योंकि चूंकि पुराने चेहरों को हटाना था और नए चेहरों को शामिल करना था तो नए चेहरे भरोसेमंद चेहरे और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि इन चेहरों में चुनाव के मद्देनजर से भी चेहरे बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए ये इन चेहरों ने मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, अब 30 ये संख्या हो जाती है। हालांकि 6 रिक्तियां अभी भी है और ऐसे में कई मांगे भी है, जितना माझी का भी जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो लगातार कहते आए कि हमें थोड़ी सी सीट और ज्यादा मिल जाती मंत्रालय में तो अच्छी बात रहती। हालांकि इसमें तो जगह नहीं मिली, लेकिन इस मंत्रिमंडल की बात करें तो 21 नए मंत्री और जो इससे पहले नीतीश कुमार समेत मंत्रियों के तौर पर शपथ लिया था 9 लोगों ने और ये अब संख्या जो है वो 30 की हो जाती है। तो 46 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो गया है।